नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो फिल्मों के बारे में OTT अपडेट देने वाला हूं। उन दो फिल्मों में से एक है थलापति विजय स्टारर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और दूसरी है अक्षय कुमार स्टारर सरफिरा। अब सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार स्टारर सरफिरा की। सरफिरा ने जितना एक्सपेक्ट किया था, आपको सबको पता ही है कि सूर्या स्टारर सोनाने पोटुरु का ये रिमेक था और वो अमेजोन प्राइम पे तभी अवेलेबल थी, हिंदी में भी अवेलेबल थी। कोविड में काफी लोगों ने सोरराय पोटेरू को देखा हुआ था और उसको नेशनल अवार्ड भी उस मूवी को मिला है और वो मूवी बॉक्स ऑफिस हिट भी थी। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार इसका रीमेक करना चाहते थे, उन्होंने रीमेक किया और बॉक्स ऑफिस पे उसका नतीजा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। इस मूवी का ओवरऑल लाइफ टाइम कलेक्शन सरफिरा इस मूवी का था मात्र 26 करोड़ के आसपास का। सो आप इमेजिन कीजिए, 26 करोड़, मतलब प्रोड्यूसर जो है वो मुंह के बल गिर गया होगा। एनीवेज, अभी ये मूवी OTT पे आने के लिए रेडी हो चुकी है। कब से और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, तो ये मूवी हमें 11 अक्टूबर को दिखाई देगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार इस OTT प्लेटफॉर्म पे। अब आते हैं थलापति विजय स्टारर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इस मूवी के बारे में। इस मूवी में मिक्स्ड रिव्यूज थे मेरा भी, जब मैंने मूवी देखी थी। आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, इसका रिव्यू ओके ओके था कि ओनली फॉर थलापति विजय सर्स फैन, अगर आप हो तो ही आप ये मूवी देखना, नहीं तो फिर थोड़ा ओके ओके टाइप ही मूवी था, ये मेरा ओपिनियन है। फिर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाए हैं तकरीबन 450 करोड़ रुपए और अभी ये मूवी OTT पे आने के लिए रेडी हो चुकी है। कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे और कब से, तो ये मूवी हमें 3 अक्टूबर 2024 से दिखाई देगी नेटफ्लिक्स इस OTT ऐप पर और ये मूवी हमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी इन सभी भाषाओं में दिखाई देने वाली है। एक ही दिन पे रिलीज होने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे, ऐसे अभी तक तो कहा जा रहा है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो यहाँ से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।